और ये क्वेश्चन है जब द फॉलोइंग मूवमेंट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर तो ये कौन सा मूवमेंट होता है जो गांधी जी को ट्रूली नेशनल लीडर बना देते हैं ये हमें बताना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दांडी मार्च चंपारण मूवमेंट रॉलिट सत्याग्रह ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा होगा राइट right आंसर तो सबसे पहले तो वो चंपारण सत्याग्रह में पार्ट लिए थे ये तो हमें पता ही है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में वो हंगर स्ट्राइक करते हैं ये भी हमने देखा था लेकिन किस में वो नेशनलिस्ट लीडर बन जाते हैं बनते तो वो वो होता 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 है रौलेट सत्यागरा। रौलेट सत्यागरा जो होता है वो नेशन होता। ये स्टार्ट होता है। गांधी जी February, स्टार्ट होता है है। जो ये के द्वारा को में और ये किसके अगेंस्ट ये अगेंस्ट था आपका रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट और मास प्रोटेस्ट था ऑल ओवर इंडिया का फास्टिंग प्रेयर को

सो द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मोवमेंट हमें बता रहा है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपने नाइट हुड की उपाधि को रेलिन किस करते हैं बिल्कुल करेक्ट बात है लेकिन क्या वो सपोर्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए करते हैं नहीं एक्चुअली वो जो प्रोटेस्ट होता है जलियन वाला बाग मूवमेंट का जो थर्टींथ अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन को अमृतसर में होता है उसके अगेंस्ट में करते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट क्योंकि यहां है वो ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो बिल्कुल फॉल्स है है ठीक बसअक् जो होता है का वो अप्रैल को होता है अमृतसर में जहां पे क्राउड जो होती है वो फायर ऑफ ऑन की जाती है किसके द्वारा ब्रिटिश आर्मी के द्वारा और इन हिज लेटर टू वॉइस रहा कौन रविंद्रनाथ टैगोर वो डिक्लेयर करते हैं दैट द टाइम हैज कम वेन बेजिस ऑफ ऑनर मेक अवर सेम गिंग इन दर इन क्रूगस कॉन्टेक्स ऑफ द रिशन तो टाइम आ गया है कि जो ऑनर जो बेजेज ऑफ ऑनर जो हम धारण करते हैं वो हमारे लिए ही सेम बन गया है ये किसने कहा था ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था फिफ्टीन शांति निकेतन को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया ये भी आपको ध्यान रखना है ये आपको कहाँ देखने शांति निकसन किससे रिलेटेड रविंद्र नाथ टैगोर से रिलेटेड है तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में एक्साम नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हो फॉलिंग प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट तो इनमें से कौन जो है वो खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनंट लीडर हैं तो एक्चुअली खिलाफत जो मूवमेंट था वो इंडिया का मूवमेंट नहीं था ये रिगार्डिंग था कि जो मुस्लिम कंट्री थी तो वहाँ पे जो मुस्लिम खलीफा के अगेंस्ट था कि मुस्लिम खलीफेट सिस्टम को ख़त्म कर दिया जा रहा था ठीक है और ये चीज़ें मुस्लिम्स को पसंद नहीं आ रही थी उनको लग रहा था कि जो मुस्लिम्स ये एंटी इस्लामिक कंडीशन है ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के द्वारा ठीक है तो ये ध्यान में आपको रखेंगे खिलाफत और उनके जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो कौन थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत वो खिलाफत मूवमेंट जिसको खलीफेट मूवमेंट कहते हैं इसको कहा जाता है इंडियन मुस्लिम मूवमेंट जो कि पैन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ठीक है और ये सपोर्ट किया गया था हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आजाद के द्वारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर मौ, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के और खिलाफत मूवमेंट को ही गांधी जी क्या करते हैं सामर्ज कर देते हैं एन सी एम के साथ और वो शो करते हैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ध्यान रखेंगे हिंदू मुस्लिम की बंपर यूनिटी हमने 1857 के टाइम पे देखा था 1905 में तो हमने नहीं देखा था क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो सपोर्ट करते हैं बंगाल विभाजन को लेकिन गांधी जी के लीडरशिप में क्या होता है कि वो अपनी कैरिज्मेटिक लीडरशिप में क्या करते हैं कि खिलाफत मूवमेंट और एन को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और वो अगेंस्ट हो जाते हैं किसके ब्रिटिशर्स के सिक्सटीन क्वेश्चन देख लेते हैं वट द मेन रीजन बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ द खिलाफत मोवमेंट तो खिलाफत मूवमेंट का मेन क्या था ये हमें बताना है तो मेन रीजन जो था वो एक्चुअली था टू तो फेवरेबल ट्रीटी ऑन खलीफा जो लीडर ऑफ मुस्लिम जिनको खलीफा या खालीफ, खालीफ कहते हैं उनके लिए, उनके लिए ऊपर करना फेवरेबल ट्रीटी को इन फेवरेबल ट्रीटी को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर मेजर रीजन होता है लॉन्च ऑफ खिलाफत मोवमेंट वॉज टू तो प्रेशर ब्रिटिशर्स टू तो इंपोज लेनियन ट्रीटी ऑन द खलीफा मतलब जो मुस्लिम्स होते थे वो चाहते थे ट्रिटी इम्पोज किया जाए लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते थे वो जो लीडर ऑफ मुस्लिम जो कैरियर थे उनको उनका जो पावर था उसको हटाने की कर रहे थे तो खिलाफत मोमेंट जो था ये 1919 से -19 1924 तक था वो एजिटेशन था बाय इंडियन मुस्लिम्स अलाइड विद द इंडियन नेशनलिज्म इन द इयर्स फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इसका प्रेशर इसका पर्पस क्या था प्रेशर डालना ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रिजर्व करना जो ऑटोमन सुल्तान थे कैलिफ का इस्लामिस्ट आ, कंट्री का इस्लाम का उनका जो अथॉरिटी था उसको मेंटेन करने के लिए और जबकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स उसको ब्रेक कर दिए थे आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर ठीक है ऑटोमन एम्पायर को ही वो ख़त्म कर दिए थे

डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचले के आ, का जो अरेस्ट हो गया था अमृतसर में हो गया था और इसी के अगेंस्ट में जली बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था सभा चल रही थी तो सबसे पहले होगा आपका सेकेंड नंबर उसके बाद होगा जली बाग में से ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 नाइनटीन जो होता है वो उसके बाद होता है तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा टू वन थ्री जो हो जाएगा राइट हो जाएगा दस अप्रैल उन्नीस को क्या होता है दो इंपॉर्टेंट जो लीडर होते हैं कांग्रेस के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन अरेस्ट कर लिया जाता कहा जली बाग है वहां पे लोग सभा कर रहे होते हैं अरेस्ट के? जो कि हो रहा था तो उनीश 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 को। ठीक है और नवंबर उन्नीस में क्या होते हैं ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होता है मुस्लिम और हिंदू का जिसको खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहते हैं और ये कहां पर होता है दिल्ली में होता है इसका मेन एम क्या होता है परसुएंस करना मनाना मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट फजुल हक को ठीक है ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर एटीन क्वेश्चन एन तो उन्नीस सौ बीस में कांग्रेस जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है किसके फेवर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के और द सेशन वॉज हेल्ड तो ये सेशन कहाँ पर हेल्ड हुआ था यह हमें बताना है बॉम्बे मद्रास नागपुर और लखनऊ तो ये सेशन एक्चुअली होता है नागपुर में उन्नीस बीस में नागपुर सेशन होता है जो एडॉप्ट करता है रेजोल्यूशन फॉर द नॉन कोऑपरेशन और किसके अंतर्गत होता है ये होता है महात्मा गांधी के अंतर्गत इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस मूवमेंट्स का बॉयकट कर करना ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का प्रमोट करना स्वदेशी गुड्स और एजुकेशन का स्वदेशी गुड्स और एजुकेशन को पहली बार का प्रमोट करने की बात की गई थी स्वदेशी मूवमेंट जो कि नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द बंगोल पार्टीशन ठीक है स करना स्वदेशी है स्टेटमेंट को कांग्रेस ऑर्गेनाइज अस मूवमेंट फॉर दर्स्ट टाइम ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम मेनी नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एस काशी विद्यापीठ केम इन टू एग्जिस्टेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियंस हमें बताना पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि कांग्रेस ऑर्गेनाइज करती है मास मूवमेंट को पहली बार पहली बार मासेस को इंक्लूड कर दिया जाता है सूरत स्प्लिट एक्चुअली जो 1907 में था वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ही था किसके किसके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्योंकि जो मॉडरेट्स चाहते थे वो क्या चाहते थे कि जो 1905 का जो बंगाल पार्टीशन यानी स्वदेशी मूवमेंट्स जो चल रहा था वो सिर्फ बंगाल तक कन्फाइंड है लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि वह बंगाल से बाहर जाकर पैन इंडिया मूवमेंट बने ठीक है मासिस को इंक्लूड करने की बातें कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट जबकि मॉडर्स जो है वो मासिस को इंक्लूड करने की बात नहीं कर रहे थे और पहली बार मासेस लार्ज नंबर में जो इंक्लूड हुई थी वो था नॉन काऑपरेशन मूवमेंट ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हमें देखने को मिलता है नॉन काऑपरेशन मूवमेंट में क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दिया जाता है नॉन काऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा गांधी जी के द्वारा मेनी नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एज काशी विद्यापीठ केम मिन टू तो एक्जिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट बात है कि काशी विद्यापीठ का स्टैब्लिशमेंट होता है बिहार विद्यापीठ का भी स्टैब्लिशमेंट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पोलिटिकल कंसेशन टू इंडियंस बिल्कुल नहीं वन टू थ्री जो हो जाएगा हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी कि यह पहला मास मूवमेंट था जो ऑर्गेनाइज किया गया था कांग्रेस के द्वारा और इसके लीडर कौन थे महात्मा गांधी थे ठीक है और इसी के साथ में क्या होता है खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया जाता है इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा अगेंस्ट द मतलब जो पावर जो खलिवेट जो मोवमेंट्स था उसको जो एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर उसको मतलब ख़त्म करने के रिगार्डिंग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खेलीफेट को ख़त्म करने की बात की जा रही थी ब्रिटिशर्स के ट्रिक्ट थे ट्रिक्ट थे और उसी के अगेंस्ट में ये मोमेंट स्टार्ट हो गया, गया था इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा और दोनों ही मोमेंट्स को मर्ज कर दिया गया था एन मतलब एन और खिलाफत को मर्ज किया कर दिया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बोथ दिस मोमेंट्स मूवमेंट्स कन्वर्स विद ईच अदर एंड रिफ्लेक्टेड द ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी और इसलिए हमें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिलती है अट्ठारह के बाद पहली बार और इसी मोमेंट में क्या होता है गांधी जो होते हैं वो अर्ज करते हैं किस चीज़ को बॉयकट करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन को और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होती है जैसे कि काशी विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ ओपन है, है। होते हैं नेशनलिस्ट के द्वारा इस मोमेंट को रूथलेसली सप्रेस कर दिया जाता है किसके द्वारा ब्रिटिशर्स ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के द्वारा बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इंक्लूडिंग गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है इंप्रेजेंट बना लिया जाता है और दे डिडेंट शो एनी विलिंगनेस टू ग्रांट पोलिटिकल टू इंडिया कोई विलिंगनेस उन्होंने शो नहीं किया था पोलिटिकल कंसेशन देने के लिए इंडियंस को तो ये सारी चीजें हुई थी ट्वेंटी क्वेश्चन देख लेते ज्यूरिंग नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट एंड कैंपेन हेल्ड अक्रॉस द कंट्री वन सच प्रोटेस्ट देम वॉज पॉपुलर पॉपुलर रिबेलियन इट वॉज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तो नॉन कॉपरेशन मोमेंट्स के टाइम पे ही एक और रिवोल्ट हो रहा था वो था मोपला रिवेलियन और मोपला रिवेलियन कहाँ पे एक्चुअली हुआ था ये हुआ था आपका केरला में और ये जो हैपन हुआ था कब हुआ था ट्वेंटी अगस्त नाइनटीन ट्वेंटी वन से स्टार्ट हुआ था उन्नीस बाईस तक चला था ये मेनली मालाबार रीजन जो है केरला का वहाँ पे स्टार्ट हुआ था जहाँ पे जो मोपला यानी इसको मालाबार रिवेलियन भी कहते हैं सीरीज ऑफ राइट्स था किसके द्वारा जो मापिला मुस्लिम्स थे अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट और साथ ही साथ जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे उनके अगेंस्ट में था तो ध्यान रखेंगे ये मुस्लिम था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के ऑपरेसिव पॉलिसी और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ये होता है केरला में 1921 से 1922 तक चलता है ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गांधी विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन नाइनटीन महात्मा गांधी क्यों विद्रॉ कर लेते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्नीस में हमें बताना है मोस्ट ऑफ द लीडर्स वे अरेस्टेड एंड दे वेर इन प्रिजन ब्रिटिशर्स वे रेडी टू एक्सेप्ट डिमांड्स पार्टली बिकॉज ऑफ दस इन द चोरी चौरा देर आर नॉट एनी चांसेस ऑफ सक्सेस इन द मोमेंट्स गांधी जी का एक चीज ध्यान रखेंगे कि गांधी जी की मूवमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं नॉन वैलेंस, ट्रुथ स्वदेशी, इन सारे चीज़ों पे चल रही होती है लेकिन चौरी चौरा में क्या होता है बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है वहाँ पे एक थाने को ही जला दिया जाता है तो गांधी जी ये देखकर बड़े ही वो हो जाते हैं आश्चर्य हो जाते हैं मतलब बड़े ही शौक हो जाते हैं कि मैंने तो स्टार्ट किया था एक नॉन वायलेंस मूवमेंट को और जो कि कन्वर्ट हो गया किस में एक काफ़ी वायलेंट ग्रुप में क्रिएट हो गया तो इसीलिए वो क्या करते हैं अचानक से विड्रॉ कर लेते हैं कांग्रेस ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्योंकि वायलेंस जाकर हो जाता है चौरी चौरा में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में जहाँ पे पीपल जो होते हैं वो क्लैश कर लेते हैं किसके साथ पुलिस के साथ और पुलिस स्टेशन को ही फायर में मतलब जला देते हैं वहाँ पे गांधी जी फील करते हैं कि पीपल जो है वो रेडी नहीं है अभी तक स्ट्रगल के लिए उनका मास स्ट्रगल बेस्ड था किस पर नॉन वायलेंस के ऊपर था ना कि सिस्टम के ऊपर था और सत्याग्रह नीडेड फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर नॉन वायलेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन और उनको फील हो गया कि सत्याग्रही जो है हैं उनको चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग जिससे वो सस्टेन कर सके नॉन वॉलेंट डेमस्ट्रेशन को तो गांधी जी का क्या था कि वो मोमेंट स्टार्ट करते थे फिर ट्रोस आ जाता था वहाँ पे तो जैसे ही विड्रॉ कर लिया उन्होंने एन को तो यहाँ पे ये ट्रूस का पीरियड चला था ट्रूस के पीरियड में कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलते थे मतलब नेशनलिज्म अराउज करना नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना हैडी को प्रमोट करना खादी को प्रमोट करना ये सारी चीज़ें इस बीच में चलती थी ठीक है द मेन लीडर ऑफ द तो स्वराज पार्टी हुए स्वराज पार्टी के मेन लीडर कौन थे ये हमें बताना है स्वराज पार्टी एक्चुअली कब फॉर्म होते हैं उन्नीस सौ बाईस में फॉर्म होते हैं जब अचानक से विड्रॉ कर लिया जाता है किसको को एन सी एम को और बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो शौक में आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो मोमेंट स्टार्ट ही हुआ था अभी हम जस्ट इसको सस्टेन करते तो हम इंडिपेंडेंस गेन कर सकते थे लेकिन गांधी जी अचानक से उसको विथड्रॉ कर लेते हैं ठीक है और उसके अगेंस्ट में स्टार्ट होते हैं स्वराज पार्टी और इसको स्टार्ट करने वाले होते हैं मोतीलाल नेहरू और सी आर दास उन्नीस दिसंबर में स्टार्ट होते हैं सी आर दास जो होते हैं इसके प्रेसिडेंट होते हैं और मोतीलाल नेहरू जो होते हैं इसके सेक्रेटरी होते हैं और पार्टी में एक नया जो ग्रुप होते हैं वो आ जाते हैं मतलब ये जो पार्टी होता है स्वराज पार्टी कांग्रेस के ही अंतर्गत एक नया पार्टी हो जाता है ठीक है और दिस पार्टी अग्री टू तो एक्सेप्ट द कांग्रेस प्रोग्राम ओनली इफ इट टू पार्ट इन द काउंसिल इलेक्शन और ये क्या रखते हैं कि तभी कांग्रेस के प्रोग्राम को मानेंगे जब वो पार्ट लेंगे इलेक्शन कौंसिल ब्रिटिश काउंसिल के इलेक्शन में पार्ट लेंगे ठीक है ट्वेंटी थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर ऑफ द फॉलोइंग रीजन स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड इन इंडिया तो स्वराज पार्टी का जो फाउंड होने का क्या रीजन था ये हमें बताना है विड्रॉलेंटी एंट्रिंग इन द काउंसिल एंड शो दॉनेसमेंट ऑफ इंडिया स्टेटमेंट जो होगा वो राइट होगा रिगार्डिंग द स्वराज पार्टी ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी हमने जस्ट देखा कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अचानक से विड्रॉ कर लेते हैं महात्मा गांधी तो क्या होता है वो शॉक क्रिएट कर देता है बहुत सारे लेटर्स में तो ये हमारा रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है एंटरिंग इन द काउंसिल एंड सो द दॉलेनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन और स्वराज पार्टी के लीडर क्या चाहते थे वो चाहते थे कि वो काउंसिल में एंटर करें और जो हॉलिनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का वो उनको बताएँ तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं रिप्रेशन बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं टू का बाई द पोलिटिकल प्रिवेलेस ये भी नहीं ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर सीआर so, दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो फाउंड करते हैं स्वराज पार्टी को चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है ड्रॉबैक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस सौ उन्नीस इज दरिजन तो होता है उन्नीस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ठीक है और इसीलिए स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है आर दास और, और मोतीलाल

पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि साइमन कमीशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूट होता है 1927 में इंडिया में आता है वो 1928 में हेड होते हैं इसके सर जर्ज जॉन साइमन बिल्कुल करेक्ट इंडियंस को तो ये बिल्कुल ही नहीं लेते इसलिए तो इसको वाइट कमीशन भी कहते हैं ठीक है क्योंकि इसमें कोई भी जो होता है वो इंडियन मेंबर नहीं होता और इसी का प्रोटेस्ट में होता है साइमन गो बैक का नारा चलता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है तो साइमन कमीशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर द लीडरशिप लीडरशिप ऑफ द सर जॉन साइमन नाइनटीन में होता है और इसका काम क्या होता है एक्चुअली 1919 नाइनटीन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें प्रपोजल दिया गया था कि दस साल में एक कमेटी आएगी जो जांच करेगी कि कितना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होता है लेकिन दस साल से पहले ही साइमन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है चेक करने के लिए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया और चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए ऑफिसियली इसको कहा जाता है इंडियन स्टेटरी कमीशन तो ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन को ही स्टेटूटरी कमीशन भी कहते हैं और चार कंजरवेट कंसिस्ट ऑफ फोर कंजर्वेटिव टू लेबर लिबरल सॉरी टू लेबर एंड वन लिबरल मेंबर फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के इसके सात मेंबर होते हैं जिसमें से जो चार होते हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के होते हैं टू लेबर पार्टी के होते हैं और एक जो होते हैं वो लिबरल पार्टी से बिलोंग करता है और इसमें कोई भी इंडियन जो होता है वो मेम्बर नहीं होता है तो आज के लिए इतने रहने देते नेक्स्ट क्लास में हम ट्वेंटी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से देखेंगे थैंक यू सो मच